गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम ये जो चांदनी का पौधा है इसको हम रिपोर्टिंग करने वाले हैं। ये जो चांदनी का वैरायटी आप देख रहे हो ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है। ये जब फूल देता है तो छोटे छोटे फूल आते हैं और पूरा भर जाता है पौधे में और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको मेंटेन करना बहुत ही आसान है और आप इसको एक छोटे से मिट्टी के गमले में आसानी से ग्रो कर सकते हो। ये जो पौधा आप देख रहे हो इसको मैंने कोटिंग से ग्रो किया था और आप भी इसको बहुत ही आसानी से कोटिंग से ग्रो कर सकते हो। मैं आगे आने वाले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। अब हम जान लेते हैं इसके सॉइल मिक्सचर के बारे में। जैसे कि आपको पता है इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है, इसलिए आप इसको कोई भी सॉइल मिक्सचर पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अगर इसमें आप अच्छा ग्रोथ और इसको हर बार हेल्दी देखना चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसके वजह से मैं यहाँ पे 50% गार्डन सॉइल के साथ 50% जो काउडंग कंपोस्ट होता है उसको ले रहा हूँ और इसको मैं अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। तो यहाँ पे हम अभी रिपोर्टिंग करने वाले हैं। तो मैं हमेशा की तरह यहाँ पे मिट्टी का गमला ले रहा हूँ क्योंकि मिट्टी के गमले पे पौधे का ग्रोथ अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमारा ड्रेनेज होल सही तरह से काम करे इसके लिए हम उसके होल के पास कुछ पत्थर रख देंगे जिससे हमारा जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद हमने जो सॉइल मिक्सचर बनाया था उसको गमले में भर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा नीम खली ऐड करेंगे। उसके बाद हमारा जो पौधा है उसको हम पॉलीथीन से इस तरह से निकाल देंगे। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली काट भी सकते हो, मैं काट नहीं रहा क्योंकि अगर मैं काट दूँगा ये किसी काम का नहीं रहेगा, ऐसे ही कचरा बन जाएगा। तो इस तरह से मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो रूट कितना बढ़िया से ग्रोथ हुआ है और इसको हम सिंपली इस तरह से लगा देंगे और चारों साइड मिट्टी अच्छे से डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा पौधा रेडी हो चुका है और इसी प्रोसेस में हमारा जो और एक पौधा है उसको भी इस तरह से लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा दोनों पौधा रेडी हो चुका है। अब हम थोड़ा इसमें अच्छे से पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको 2 दिन तक सेमी शेडेड एरिया में रखेंगे। तो ये था आज का एक छोटा सा गार्डन अपडेट। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब